आज के मेन वीडियो पे चलने से पहले हमने थोड़ा लाइट और कैमरा सेटअप में चेंज किया है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स कि ये सही है या हमें और कुछ बेटरमेंट करना चाहिए। और अब जयपुर में सर्दियाँ जा रही है और थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ आ रही है, एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर दैट। मुझे समर्स बहुत पसंद है और मे बी ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ। हे एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस, एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ केस जो कि 2008 का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़ रखे थे। और इस केस में हम देखेंगे कि सिर्फ जेलेसी की वजह से एक बडिंग आर्टिस्ट, एक बडिंग एक्ट्रेस का करियर डिस्ट्रॉय हो गया। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड टेक अ लुक एट टुडेज केस विच इज रिवॉल्विंग अराउंड नीरज ग्रोवर मर्डर केस। बॉम्बे और वी कैन से मुंबई, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है। दिस सिटी इज इंडियाज नर्व सेंटर टू फाइंड करियर अपॉर्चुनिटी इन टेलीविजन और फिल्म्स। पहले के टाइम पे जिस भी इंसान को एक्टर बनना था या एक्ट्रेस बनना था या टेलीविजन इंडस्ट्री में कुछ भी करना था, वो सीधा मुंबई चला जाता था और वहाँ जाके वो भी मुंबई के रश का एक हिस्सा बन जाता था और अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करने लग जाता था। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव किशनी से एक लड़का मुंबई आया था। इस लड़के का नाम नीरज ग्रोवर था और इसका जन्म किशनी में ही 1982 में हुआ था। और ये जब मुंबई आया था, इसके आंखों में एक सपना था, इसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनना था। और मुंबई में रहते रहते और स्ट्रगल करते करते 26 साल की उम्र में इसने अपना सपना पूरा भी कर लिया। ये एक क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुका था एक ऐसे शो के लिए जो कि एक US के शो का हिंदी वर्जन था, जिस शो का नाम था आर यू स्मार्टर देन ए फिफ्थ ग्रेडर। और मुंबई में काम करते करते उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे और वो एक बड़ा आदमी बनने लग गया था। एंड ही वॉज होल्डिंग ऑडिशन फॉर सून टू बी रिलीज सीरीज महाभारत। ही वॉज ऑडिशनिंग अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम। तो तभी उसकी मुलाकात हुई मारिया मोनिका सुसईराज से। मारिया एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी और उसने वहाँ कुछ छोटी फिल्म्स में काम किया था और उसके बाद वो भी मुंबई आ गई थी अपनी आंखों में एक बड़ा सपना एक्ट्रेस बनने का लेके। ऑल दो उस ऑडिशन में मारिया को सेलेक्ट नहीं किया था नीरज ने, क्योंकि वो एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी और उसका हिंदी में जो एक्सेंट था वो इतना अच्छा नहीं था, तो शी वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द रोल। लेकिन जो नीरज को मारिया थी वो बहुत ही पसंद आई थी एज ए पर्सन, तो उसने मारिया से मिलना स्टार्ट किया और उसे एक दोस्त बनाया। और जो मारिया थी उसे भी नीरज बहुत पसंद आया और उसने उससे दोस्ती करी और जल्दी ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लिए थे और वो रेगुलरली चैटिंग कर रहे थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती अफेक्शन में बदलने लगी और इन दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ चुकी थी और ये रेगुलरली मिलने लगे। और इस समय तक मारिया को मुंबई में रहने को एक जगह मिल गई थी जो कि मलाड मुंबई में थी, टू बी एग्जैक्ट फ्लैट नंबर 201 एट धीरज सॉलिटियर्स अपार्टमेंट एट मलाड मुंबई, ये उसका एड्रेस था। और केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। जो मारिया थी उसके पहले से ही सगाई हो रखी थी। शी वॉज ऑलरेडी एंगेज्ड विद अ गाय नेम्ड एमाइल जीरोम मैथ्यू। जो उसका फियांसे मैथ्यू था वो एक नेवल ऑफिसर था, वो नेवी में था और उसकी पोस्टिंग कोचिन में हो रखी थी। और बीइंग हर फियांसे वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव और पॉजिटिव हो गया था जब उसे पता चला दैट मारिया एंड नीरज आर सीइंग ईच अदर दैट मच। और ये समझ आता है, अगर आपकी फियांसे भी अगर किसी से इतना मिल रही होगी, इतना क्लोज आ रही होगी, तो आप भी पॉजिटिव हो गए उसको लेके। 6 मई 2008 को मारिया जो थी वो अभी भी अपना नया घर सेट कर रही थी, शी वॉज सेटलिंग इन, और जो नीरज था वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर चला गया था। और जब नीरज वहाँ प्रेजेंट था तो जो मैथ्यू था उसने मारिया से बात करने के लिए उसे कॉल किया और समहाउ उसे पीछे से नीरज की आवाज़ आ गई एंड देन ही गॉट टू नो कि नीरज भी वहाँ है। देन मैथ्यू क्लियरली सेड मारिया कि नीरज को वहाँ रात को नहीं रुकने देना और उसे अपने घर जाने को बोल देना। रात को कॉल डिसकनेक्ट होने के बाद समहाउ मैथ्यू को फील हो रहा था कि नीरज अपने घर नहीं गया होगा और वो मारिया के पास ही रुका होगा, इसलिए उसने इंस्टेंटली रात को ही कोचिन से मुंबई की एक फ़्लाइट की टिकट बुक करी और वो 7 मई 2008 की सुबह मुंबई में था।
वो सीधा मारिया के घर गया और उसने बहुत बार बेल्स बजाई। और जब मारिया ने गेट खोला वो सीधा बेडरूम के अंदर गया और उसने वहाँ नीरज को देखा। पहले उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होने लगा और वो आर्ग्यूमेंट जल्दी ही एक फिजिकल फाइट में बदल चुका था। और मैथ्यू ने हीट ऑफ द मोमेंट पे किचन में गया और वो नाइफ लाया वहाँ से और उसने नीरज को स्टैब कर दिया। वो नीरज को जब तक चाकू मारता रहा जब तक नीरज मर नहीं गया। और तकरीबन सुबह की 10 बजे मारिया अपने घर के पास एक सुपरमार्केट से 2 डफल बैग, कुछ बेडशीट्स, कुछ कर्टन और एक नाइफ लाई। और इसके बाद मैथ्यू और मारिया ने नीरज की बॉडी को कट करना स्टार्ट किया। और ये बोला जाता है कि उन्होंने उसकी बॉडी को 300 पीसेस में कट किया था। और आफ्टर दिस उनके जो बेडरूम था उसकी वॉल पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड स्टेन्स हो गए थे, पूरी खून से भर चुकी थी उनकी दीवार। तो उन दोनों ने मिलके उस वॉल को पेंट किया। और इसके बाद उन्होंने नीरज की बॉडी को बैग्स में भरा और अपने नेबर के ही किसी फ्रेंड से उसने कार बोरो करी। और तकरीबन 4:30 बजे उन्होंने वो बैग्स उस कार में लोड किए। और जब वो कार में बैग्स लोड कर रहे थे तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा। और आफ्टर दिस वो कार में बैठे और उस कार को मुंबई के बाहर ले जाने लगे। और बीच में उन लोगों ने 2 कैनिस्टर भर के पेट्रोल भी लिया था एज दे वर प्लानिंग टू बर्न द बॉडी। और वो मुंबई से बाहर अम गांव के जंगलों के पास जा रहे थे। और वाइल दे वर ड्राइविंग तो नीरज के फ़ोन पे कॉल आया था, तो रश के अंदर मारिया से गलती से वो फ़ोन पिकअप हो चुका था। और फिर वो जब अम गांव के जंगलों में पहुंचे तो उन्होंने वहाँ बॉडी निकाली और उसे जला दिया। और अपना काम पूरा करने के बाद, उसकी बॉडी को जलाने के बाद, वो लेट नाइट वापस मुंबई आ चुके थे। अब इसके बाद नीरज को उसके फ्रेंड्स और फैमिली कॉन्टैक्ट करने का ट्राई कर रहे थे एंड वो रीच नहीं कर पा रहे थे उसे, तो दे फाइल्ड अ रिपोर्ट, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई। इसके बाद जब नीरज की फैमिली ने पुलिस को बताया कि वो मारिया से मिलने गया था, तो पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट मारिया बन चुकी थी। और इसके बाद पुलिस ने मारिया पे इंस्टेंटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और जब मारिया से पूछताछ करी गई तो उसने हाँ बोला कि हाँ, नीरज उस रात मेरे घर आया था लेकिन वो 12 बजे के तकरीबन चला गया था एक पार्टी अटेंड करने। पर जब मारिया का घर चेक किया गया तो वहाँ पुलिस ने देखा कि उसके बेडरूम पे एक दीवार पे नया कलर था और उसकी सारी बेडशीट्स नई थी और एक गेट के लैच पे थोड़ा ब्लड स्टेन भी था। और जब उस ब्लड की सैंपलिंग कराई गई वो नीरज का ही ब्लड था। और 9 मई 2008 को जो मारिया थी उसने खुद ने एक पुलिस में कंप्लेंट करवाई और वो नीरज की मिसिंग के लिए ही थी। उसने पुलिस को बोला कि 6 मई को नीरज मेरे यहाँ आया था लेकिन उसके बाद से वो मिसिंग है और वो फ़ोन मेरे घर पे ही भूल गया है। पर जब नीरज का फ़ोन ट्रेस किया गया तो रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जब वो ड्राइव कर रहे थे उसकी बॉडी को लेके जा रहे थे तो उसके पास एक कॉल आया था और वो गलती से पिकअप हो गया था। तो उसके थ्रू पुलिस को पता चला कि 7 मई की शाम को तो वो फ़ोन कहीं और था। और जैसे कि मारिया बोल रही थी कि वो फ़ोन घर पे ही भूल गया था, तो दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। 6 तारीख को वो फ़ोन उसके घर भूल गया और 7 तारीख को उसकी लोकेशन कहीं और है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और इसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी और छानबीन करी तो उन्हें पता चला कि 7 तारीख की सुबह ही वो अपने पास वाले सुपरमार्केट से कुछ सामान लाई थी। और इसके बाद वॉचमैन ने भी कहा था कि मैंने कुछ बैग्स इन्हें लोड करते हुए कार में देखा था। और जिस पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल खरीदा था उस पेट्रोल पंप के एक एम्प्लॉय ने भी कह दिया था कि हाँ, ये लोग मुझसे 2 कैनिस्टर भर के पेट्रोल लेके गए। तो आफ्टर दिस मारिया हर जगह से ब्लॉक हो गई थी, उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं दिख रही थी खुद को बचाने की। और जब इन्वेस्टिगेशन के बीच में मारिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करे गए तो तकरीबन 1000 कॉल्स थे उसमें मैथ्यू के 13 दिनों के अंदर। और इसके बाद फाइनली मारिया ने कॉन्फेस किया कि उसने और उसके फियांसे ने मिलके नीरज का मर्डर कर दिया है। और इसके बाद मैथ्यू को अरेस्ट कर लिया गया और इस केस का ट्रायल 3 साल तक चला। और 2011 के अंदर कोर्ट ने वर्डिक दिया दैट मैथ्यू वाज गिल्टी फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट फॉर द मर्डर, और उसे 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। और जो मारिया थी वो गिल्टी थी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए और उसे पेनलाइज्ड किया गया, उससे पेनल्टी ली गई और उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। कल्पेबल होमिसाइड में एक इंसान ऐसा कुछ करता है जिससे एक इंसान की मौत हो सकती है, तो वो एक कल्पेबल होमिसाइड है। और मर्डर के अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान को मारना ही होता है, वो उसके साथ ऐसा ही कुछ करता है जिससे वो उसे मार सकता है, वो एक मर्डर होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेट्स टेक एग्जाम्पल, कल्पेबल होमिसाइड में एक्स ने वाई को एक स्टिक या एक स्टोन से मारा पर इंजरी ज़्यादा होने के कारण वाई की डेथ हो गई,
लेकिन मर्डर के अंदर एक्स ने वाई को एक चाकू से मारा उसके ऑर्गन पे और उससे उसकी डेथ हो गई। और जो नीरज की फैमिली थी वो कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, वो चाहती थी एटलीस्ट मैथ्यू को फांसी नहीं तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा तो मिले। बट यस, दैट वॉज इट फॉर टूडेज केस। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं, लेट्स अज्यूम कि मैथ्यू ने ये रेज के अंदर किया, हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर किया, बट वॉट आफ्टर किलिंग हिम, मैथ्यू और मारिया ने उसकी बॉडी के 300 टुकड़े कर दिए और उसे एक बैग में भर के जला के आ गए। दिस इज ब्रूटल। और आई कांट इवन इमेजिन कि मारिया भी ये सब में मैथ्यू का साथ दे रही थी एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के अंदर। और यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसके अंदर गलती सिर्फ नीरज की नहीं थी, जो मारिया थी वो भी उसका पूरा साथ देती थी, वो भी उसको घर रोकने में इंटरेस्टेड थी, उसने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप किया। लेकिन मैथ्यू को प्रॉब्लम मारिया से नहीं हुई, उसे प्रॉब्लम हुई नीरज से। बट वॉट आई थिंक इज, यहाँ सबसे बड़ी सजा मिली है नीरज को, उससे कम सजा मिली है मैथ्यू को, और सबसे कम सजा मिली है मारिया को। मारिया को क्या नीड थी नीरज से फ्रेंडशिप करने की अगर उसके फियांसे को वो सब पसंद नहीं था तो। एंड यू नो व्हाट, इस केस पे एक मूवी भी बनी है 2011 में और उस मूवी का नाम है नॉट ए लव स्टोरी। अगर मारिया और मैथ्यू के बीच में थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद आज नीरज जिंदा होता। तो यस, दैट वॉज इट। Please like this video and subscribe to this channel if you like such content. And in the end, if you are living far from your home, struggling to achieve your dreams, please be safe and talk to your loved ones so openly, so closely. Bye-bye.